एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस में, और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फिजिकल साइंस में यानी कि भौतिकी विज्ञान में प्रयोगशाला का क्या महत्व है, उद्देश्य है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स और थीरीज ऑफ लेबोरेटरी इन फिजिकल साइंस। तो भौतिकी विज्ञान में इसके क्या महत्व उद्देश्य है, इनको हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपके बीएड के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भौतिकी विज्ञान है या जीव विज्ञान है, तो एक सवाल इससे जरूर पूछा जाएगा। इसके लेबोरेटरी मेथड्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो उसी को हम वेरी शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है फिजिक्स में आप लैब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकल करने के लिए, करके सीखने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान हासिल करने के लिए इंटरेस्ट आता है, ये सारी चीज़ें पता है आपको। हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे ये हमें देखना है। तो दोस्तों देखिए, कैसे आसान से और अच्छे शब्दों में यहाँ पर शुरुआत किया गया कि आधुनिक जो युग है हमारा, हमारा जो आज का समाज है, आज का जो युग है, वो कम्प्लीटली किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब वो कम्प्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना सीखा, तो करके सीखने पे, प्रैक्टिकली वर्क पे ज़्यादा शिक्षा हमारा क्या है, केंद्रित है। तो आधुनिक युग में शिक्षा आधिकारिक व्यवहारिक तथा जीवन से संबंधित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा शिक्षण जगत का एक नया नारा चला है कि करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, राइट। तो करके सीखने के लिए प्रयोगशाला और विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा साज सज्जाओं का होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है, तभी बच्चा क्या करेगा, करके सीखेगा। इन प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने के लिए बालक न केवल करके सीखते हैं, अपितु तथ्यों का व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। अब आपने किताब में पढ़ लिया कि लाइट्स कैसे चलते हैं, प्रकाश की चाल कैसे होती है, प्रकाश कैसे परावर्तन होता है, प्रकाश कैसे अपवर्तन होता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, प्रकाश लेंस से कैसे टकराता है, कैसे प्रतिबिंब बनती है, इमेज बनता है। ये आपने चीज़ों को पढ़ लिया किताब में, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे लैब में जाके, तो आप अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्ञान अधिक व्यवहारिक होगा और हमेशा अच्छा होगा, और इसी को कहते हैं करके सीखना। बात समझ में आ गई, तो सिद्धांत देखेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और है दोस्तों, कई बार आपसे पूछता है कि अगर आप प्रयोगशाला की कक्ष का निर्माण करेंगे या फिर प्रयोगशाला कक्षा का चुनाव करेंगे, तो आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, या फिर एक लेबोरेटरी क्लासरूम्स की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, प्रयोगशाला जो कक्षा होता है वो सामान्य से बड़ा होता है, जो नॉर्मल हमारा क्लासरूम होता है उससे वो बड़ा होता है, लंबी बेंच लगी रहती है, यहाँ पर कई सारे बच्चे एक साथ क्या करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं। प्रयोगशाला का वेंटिलेशन में पर्याप्त व्यवस्था हो, गर्मी ना हो, उमस ना हो, कंजेस्टेड ना हो, पर्याप्त वेंटिलेशन वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। मुख्य कक्ष के साथ संलग्न दो और कक्ष होने चाहिए जिनमें एक स्टोरेज हो जिसमें सामान रखी जा सकती, तथा दूसरा प्रभावी कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे कि जो हमारे इंचार्ज हैं लैब के फैकल्टी, वो लोग वहाँ पे देखें। तो प्रयोगशाला के साथ साथ ये दो क्लासरूम्स भी होने चाहिए, ठीक है। प्रयोगशाला कक्ष में पानी की अच्छी व्यवस्था हो, राइट। पर प्रत्येक प्रयोगशाला के विषय से संबंधित अध्यापक प्रभारी हो, एक अलग टीचर हो जो लैब को कंट्रोल करे, प्रभारी अध्यापक के अलावा कुछ सहायक भी हो, ठीक है। चलिए, सभी प्रयोग प्रभारी अध्यापक की देखरेख में ही संपन्न किए जाएं, ओके। प्रभारी अध्यापक तथा छात्र एप्रॉन पहनकर प्रयोगशाला में कार्य करें, अतः पर्याप्त मात्रा में एप्रॉन भी मौजूद हो, यानी कि जो सफ़ेद कोट होता है ना, तो एप्रॉन वो पहन के लैब में जाएं, क्या पता कोई केमिकल लग जाए या फिर कुछ जेल हो जाए, कट जाए, तो इसीलिए प्रॉपर एप्रॉन की व्यवस्था हो। सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला से संबंधित विषय के लिए उपयोगी सभी साहित्य उपकरण भी क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है। वैसे अगर भौतिक विज्ञान की करें तो भौतिक विज्ञान से संबंधित सारे उपकरण यहाँ पे अवेलेबल हो। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रयोगशाला का चुनाव करेंगे, या यह एक क्या होती है, प्रयोगशाला की विशेषता होती है जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कुछ और बिंदु को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोगशाला में क्या उद्देश्य होता है, आप बच्चों को क्यों भेजते हैं, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखे आप चाहते हैं कि आपके क्लासरूम के बच्चे लैब में जाएँ, प्रयोगशाला में जाएँ और वहाँ पर प्रैक्टिकल करें। तो आपका पहला पर्पस क्या होना चाहिए, एम्स उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहली तो छात्र वैज्ञानिक घटनाओं को सदृश अनुभव प्रदान करें। मैंने जैसे एग्जांपल दिखाया, आपने दिखाया कि कैसे रेस जाती हैं, फिर वो ग्लासेस से टकरा के अब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, आपने किताब में पढ़ लिया। जब चीज़ों को करेंगे तो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, वो अनुभव प्रदान करेंगे, देखेंगे, करके सीखेंगे। छात्रों में वैज्ञानिक उपकरणों पर कार्य करने का कौशल विकसित होगा, जो भी साइंटिफिक उपकरण है जैसे टेलीस्कोप्स हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इन चीज़ों पर कार्य करने के लिए उनको स्किल्स बढ़ेगा, डेवलप होगा। छात्रों में विज्ञान प्रयोग एवं विज्ञान संबंधी गतिविधियों इंटरेस्ट आएगा, रुचि बढ़ेगी, रुचि विकसित होगी, राइट। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत का विकास होगा, एग्जैक्टली। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वैज्ञानिक प्रत्ययों तथा सिद्धांतों का विकास स्वयं कर सके,
वो आगे चल के खुद भी वैज्ञानिक बने, खुद भी नए नए सिद्धांत बनाए, नए नए चीज़ों का आविष्कार करें, तो इसलिए भी प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। छात्रों को समस्या हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि का अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। छात्रों के वातावरण के प्रति चेतना तथा जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि हमें कैसे अपने लैब को प्रैक्टिकली कैसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है और अच्छा करना है, ठीक है। इस चीज़ का भी क्या हो जाएगा, उनको अभ्यास हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि लेबोरेटरी के प्रयोगशाला के फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं। अब जो कुछ भी आपने पढ़ा उसको आपको समराइज कर देना है, फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो लैब का पहला लाभ, कोई ज़रूरी है कि आप पॉइंट वाइज ऐसे ही लिखें, तो पहला लाभ क्या होता है लैब का, सबसे पहला लाभ बच्चों का क्या होता है कि देखो जो थीरी पढ़ते हैं ना, जैसे जब सैद्धांतिक हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होता, ज़्यादा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन जब हम लैब में करते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों, वो वास्तविक ज्ञान होता है, वो रियल आपको समझ में आता है कि हमने ये चीज़ें करी। अब जैसे सामान्य क्लासरूम में आप पढ़ेंगे तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, छात्र सैद्धांतिक कक्षाओं में बैठकर उदासीन हो जाते हैं, मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, लेकिन जब वही प्रैक्टिकल करेंगे तो वो क्या रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो ये इसके फायदा होंगे, लाभ हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप अपने शब्दों में लिखेंगे, छात्रों में बच्चे खुद से करके सीखते हैं, तो जब खुद के करके सीखेंगे तो यह ज्ञान क्या होगा, ज़्यादा अस्थायी होगा, यानी कि इनको हमेशा ज़्यादा समय तक याद रहेगा। करके सीखने पर सिद्धांत आधारित, कर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, छात्र जिस ज्ञान को स्वयं करके सीखते हैं वो अधिक अस्थायी और जीवन उपयोगी होती है। बात वही है, ये क्या होंगे, लैब के फायदे, एडवांटेज और लाभ होंगे। कुछ और अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो प्रयोगशाला में छात्र किसी कार्य को सुनिश्चित तथा व्यवस्थित रूप से करना भी सीखते हैं, कि कैसे व्यवस्थित रूप से कार्य को करते हैं, कैसे आप एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं। ओके, प्रयोगशाला में छात्र को ऐसा शिक्षा प्राप्त हो जाती है जो सामान्यतः साधनों से संभव नहीं है, मतलब अन्य साधनों से लैब में ही चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों को, सामग्री आदि को संभाल कर कैसे रखना है, ये भी बालक सीखता है कि कैसे आपको संभाल कर रखना है, कहीं इस केमिकल को इस केमिकल में मिला दिया, पता चले कुछ आग लग जाए। तो लैब में बच्चे ये भी सीखते हैं कि कैसे चीज़ों को अलग रखना है, किस चीज़ों को साथ रखना है, किस चीज़ों को अलग अलग रखना है, ये भी बच्चे सीखते हैं। ओके, प्रयोगशाला छात्र में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुणों का भी विकास होता है, जैसे क्या होता है, अवलोकन, आपको कैसे देखना है, चीज़ों को समझना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शक्ति, धैर्य, तार्किक शक्ति, निष्कर्ष, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता, सहज विकास होता है, इन सारी चीज़ों का भी क्या होता है, विकास होता है लैब में। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स क्या थे, ये सारे पॉइंट्स थे आपको जो कि आपको इसकी सहायता से लिखना है। जैसे कुछ और पॉइंट देखेंगे, प्रयोगशाला एक कमरे में होती है, सारा सामान वहीं रहता है, उस सामान का वही प्रयोग करके सीखते हैं, इससे सामान इधर उधर ले जाने ले आने समय श्रम नहीं लगता, साथ ही प्रयोगशाला उपकरणों के टूटने फूटने क्षतिग्रस्त होने का भय नहीं रहता। प्रयोगशाला छात्र अनेक उपयोगी कौशलों का विकास करती है, छात्रों की सभी ज्ञान इंद्रियाँ यहाँ लिप्त होती हैं, छात्र स्वयं अपने हाथ से कार्य करके करते हैं, देखते हैं तथा इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, इनसे उनमें कई प्रकार के कौशल का विकास होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब करके सीखेंगे तो उनकी दिमाग भी डेवलप होगा, अवलोकन देखने की भी क्षमता होगी, प्रैक्टिकली लॉजिक हर एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, डेवलप होता है। इसीलिए प्रयोगशाला क्या है, लैब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे ऐसा सवाल क्या पूछता है, आपको पता है सवाल आपसे बीएड में पूछेगा कि भौतिकी विज्ञान में प्रयोगशाला के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आप प्रयोगशाला के बारे में बताएंगे, उनके महत्व के बारे में बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, प्रयोगशाला क्लासरूम की विशेषताएं क्या होती है, इस पॉइंट के आधार पर आपको क्या करना है, उत्तर बताना है, ठीक है। मोटा मोटी जो आपने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ा, इसके महत्व की बात करें या इसके उद्देश्य की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों का लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना पहला सिद्धांत है। दूसरा, उनकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना, और क्या बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। तीसरा दोस्तों, उनको वास्तविक ज्ञान कराना। चौथा, उनके ज्ञान को और अस्थायी करना। पाँचवा नए वो सिद्धांत की खोज कर सके। छठा, कि वो सिद्धांत कहाँ से आया, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी ले सके। तो ये तमाम वो पॉइंट है जो कि लैब में जाके एक बच्चा सीखता है, ये सब सैद्धांतिक सीखे। इसके अलावा बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशंस करना है, कैसे टीम के साथ काम करना है, कैसे पेशेंस रखना है, कैसे टेस्ट करना है, सावधानियां क्या क्या बरतनी, ये तमाम चीज़ें लैब के अंतर्गत सीखते हैं। तो ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक विज्ञान के में प्रयोगशाला का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी, तो आपको इन्हीं शब्दों के आधार पर बना के लिखना है, लिख लेंगे, मैं आशा करता हूँ लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटा सवाल है, छोटा है, आपको इस चीज़ों को जानते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि अब आप इतना समझने के बाद भी आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे।
सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली होगी और सहायक हो ये वीडियो आपको एग्जाम्स में हेल्प करे लिखने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस रिस्पॉन्स इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ इट दिस वीडियो वॉज। अगर आपको पसंद आया हो यू कैन गिव मी अ पॉजिटिव फीडबैक, इफ यू डोंट लाइक दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो गिव मी अ नेगेटिव फीडबैक दैट आई कैन इम्प्रूव फॉर इन फर्दर वीडियोज। सो मैं आशा करता हूँ कि आप अपना फीडबैक कीमती जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आ रही हो हमारा काम तो सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर जरूर बनाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।